अगर आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आपको बता दें हम आचार्य रमेश सेमवाल जी के गुरुकुलम में हैं। और आपको बता दें यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पर भंडारा भी किया जा रहा है। और आपको बता दें यहाँ पर जो यजमान जो पहुँचे हैं, जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे और आचार्य रमेश सेमवाल से बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। गुरु पूर्णिमा का दिन है, यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया है और भी कार्यक्रम किया जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ज्योतिष गुरुकुलम में आज बंगलामुखी का महायज्ञ किया गया। माँ बंगलामुखी सब पे कृपा बनाए रखे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब श्रावण का माह प्रारंभ होने वाला है, कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है और आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, आज वेद व्यास जी की जन्म जयंती है। आज के दिन ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमें पुराण दिए, वेद दिए, धर्मशास्त्र दिए और वेदांत दिया और ब्रह्म सूत्र दिया, जिसके अनुसार आज हमारा जीवन हिंदू धर्म दर्शन चलता है। तो महाभारत उन्होंने दिया, गीता वेद व्यास जी ने दी, सारे पुराण 18 पुराण उन्होंने दिए, वेद के विभाग के विस्तार किया, तो आज वेद व्यास जी का जन्म जयंती है। आप अपने संबोधन में बोल रहे थे कि हमारे सिर्फ 5 ही देवता हैं, लेकिन जो धर्म शास्त्रों में लिखा गया 33 करोड़ देवता है, तो उसको लेकर आप मुख्य हमारे देवता 5 हैं। 5 देवताओं की पूजा प्रत्येक हिंदू परिवार को रोज करनी चाहिए। नंबर 1 गणेश, नंबर 2 शिव, नंबर 3 शक्ति, नंबर 4 सूर्य, नंबर 5 भगवान विष्णु। ये 5 देवताओं की रोज प्रत्येक हिंदू परिवार में पूजा होनी चाहिए। वैसे हमारे 33 कोटि देवता हैं, जैसे वरुण देवता हैं, वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, आकाशमंडल के नक्षत्र हैं, सूर्य है, ये सब हमारे देवता हैं। पेड़ों में भी हमने देवता को माना, पीपल का वृक्ष देव स्वरूप, आम का वृक्ष देव स्वरूप, बेलपत्री का वृक्ष देव स्वरूप। वैसे तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर जगह मैं हूँ, गाय भी मेरा ही स्वरूप है, मैं गो माता मैं हूँ, गंगा मैं हूँ, सूर्य की किरण मैं हूँ, लेकिन मुख्य 5 देवता ही हिंदुओं के। हमारे साथ जो यहाँ पर यजमान है उनसे बात करें, क्या कहना चाहेंगे। गुरु जी की जो वाणी है, इनके जो आदर्श है, उसको लेकर आप क्या। गुरु जी के मार्गदर्शन में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जैन साहब, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, गुरु जी ने जो आज यहाँ पर संबोधन अपना किया और जो अपने इनके श्रद्धालु आए थे उनको बताया कि किस तरह से धर्म के कार्य में चलें और धर्म को अपनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज हमने ज्योतिष कुलम में अपने धर्म गुरु सेमवाल जी को प्रणाम करते हुए और अपने सच्चे गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबको नमन करते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार गुरुओं का मार्गदर्शन बगैर जीवन व्यर्थ है, तो हम सबको गुरु का मार्गदर्शन लेके ही समाज व राष्ट्र को संकलित करना चाहिए।